ओके तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं पोकेमोन डार्क राइजिंग 2 में। लास्ट टाइम हम लोग जो है यहाँ पर ओमेगा इस कह सकते कि पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर लिया था। एंड वेट लेट मी जस्ट यहाँ पर आप लोगों को टीम बता देता हूँ मैं। मुझे चेंज करनी पड़ेगी, यस मुझे चेंज करनी पड़ेगी। हम लोग जो है यहाँ पर अपने एम्फी को जो है यहाँ पर फर्स्ट में रख देते हैं, क्योंकि क्या है ना हीलिंग हुई नहीं है, मैंने ये खुद से मेरी हीलिंग की है। ओके वेट, अगर अभी बैटल जो जो स्किप होगा ना वो मैं यहाँ पर अभी स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि हीलिंग बची ही नहीं है भाई। अभी जितनी हीलिंग जो है वो यहाँ पर स्टे रहेगी ना, उतने में हम लोगों को जो है यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। वेट, यहाँ से अभी नीचे की तरफ चले जाता हूँ मैं, बस यार रास्ता हो, यस बस यहाँ से अभी रास्ता मिल जाए। ओके वेट, मुझे जितने अभी बैटल्स यहाँ पर स्किप होंगे ना, उतना मेरे लिए जो है यहाँ पर कह सकते हो कि फायदेमंद रहेगा। ओके वेट वेट वेट, दोनों को यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर चकमा दे नहीं सकता। ओके दे दिया वैसे। ओके अरे हाँ, मैंने तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया ना, मैं तो भूल ही गया था, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है वैसे। जैसे यहाँ पर अभी इस बिल्डिंग में हम लोग आ चुके हैं ना, 6th फ्लोर पर है। सो माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ओके यहाँ पर अभी पहला बैटल है हम लोगों का आज का। ओके डन, बैटल डाउन हो चुका है। यहाँ पर अभी हम लोग कह सकते हो कि सुपर पोशन है वैसे मेरे पास, सुपर पोशन है कि दे देता हूँ वैसे। थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी संभल संभल कर चलना है ना, तो उस वजह से बैटल अभी स्किप होंगे। यस अभी बैटल जितने स्किप होंगे ना, उतना मेरे लिए कह सकते हो कि प्लस पॉइंट रहेगा। यार ऊपर की तरफ एक आइटम है, बाद में ले लेते हैं जब ये यहाँ से हट जाएंगे ना, तभी हम लोग सारे के सारे जो है यहाँ पर कह सकते हो कि आइटम्स लेने के लिए आ जाएंगे। अभी ये बैटल जो है शायद मुझे करना ही पड़ेगा। ओके तो ये भी डन। ओ क्लिफ कह सकते हो कि यहाँ पर क्लिफेरी नहीं, वॉबरफेट जो है यहाँ पर, वॉबरफेट नहीं माफ कीजिएगा, क्या यार जिगलीपफ, यस जिगलीपफ जो है यहाँ पर कह सकते हो कि वो उस जगह पर अड़ी हुई थी, कह सकते हो बेसिकली कि शायद फंस गई थी, शायद वो कह सकते हो कि ग्लिच होगा किसी प्रकार का। यस वो चारों बैटल जो है यहाँ पर मैं स्किप ही करने वाला हूँ, मुझे नहीं करने हैं अभी, मुझे नहीं चाहिए बेसिकली अभी। और कह सकते हो कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भाई बहुत हो चुका है हम लोगों के पास, अभी मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस दे दूंगा वैसा अभी हम लोगों का सीन चल रहा है। तो आई डोंट नीड करेंटली एनी एक्सपीरियंस राइट नाउ। ओके वेट, इसके पीछे छुप जाते हैं वैसे। अरे यार जल्दी आ गई है। अभी कैसा है ना, टीम एक्वा है ना, तो टीम एक्वा से कोई डरने की बात नहीं है वैसे। ओके तो शायद अभी यहाँ पर अभी हम लोगों का एक बड़ा बैटल रहेगा यहाँ पर, मैं कह सकती हूँ कि ओके टीम एक्वा के लीडर के, उसका नाम मैं भूल गया वैसे। वेट लेट जस्ट यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं, नाम क्या है इसका, आर्ची। यस यार कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हें, शायद ये लोग जो है ना पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कह सकते हो कि पजेस्ट हो चुके हैं बाय दी डारुजिस, तो हम लोगों को जो है यहाँ पर इसे कैसे भी करके जो है वो छुड़ाना ही पड़ेगा। यस डिस्चार्ज कर देता हूँ मैं ये पार्ट ना, मुझे लगता है कि कल के एपिसोड अगर मैं लाता था ना तो बेहतर रहता था वैसे, अगर ये पार्ट कल के एपिसोड में लेकर आता था, बट कोई कोई बात नहीं, यहाँ पर ये नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है, चलेगा यार ये भले ही यहाँ पर ये 3 एपिसोड तक स्ट्रेच हो जाए, कोई बात नहीं। ये ऑटो रोटेट में कैसे मुझे ना अभी यहाँ पर ऐसे ही रखना पड़ेगा, मैं बीच बीच में ऑटो रोटेट कर देता हूँ ना, ऑटो रोटेट की मेरे मोबाइल में, मोबाइल का ऑटो रोटेट बंद है बट इसका कैसे चालू हो जाता है ना पता नहीं चलता, बार बार होते रहता है यार। मैं कैसे ना कैसे भी बेटर रहता हूँ ना, सामने भी मुझे ध्यान देना पड़ता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो सब कह सकते हो कि कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना फिर उस वजह से। एंड अभी ना मेरे मोबाइल की भी स्टोरेज अच्छा खासा बढ़ गया है, तो अभी इसका भी स्टोरेज मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने स्वोर्ड को थोड़ा बहुत स्टॉप कर दिया है। स्वोर्ड जो है यहाँ पर अभी हम लोगों का स्टॉप हो चुका है, वो शायद हम लोग नवंबर दिसंबर में वापस लेकर आ जाएंगे, वो भी 1 महीने का ही बची है सीरीज वैसे, बट वो भी हर दिन आएंगी फिर, अगर वो आएगी तो हर दिन आएगी, उसके ऊपर भी काम चालू करना है। बस ये छोटे मोटे जो गेम्स है ना वो कंप्लीट कर देते पहले, तो जैसे कि ये अभी लाइनअप हो चुका है, जैसे
इसके बाद अभी और अनमोन तो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वो ज्यादा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बीच में ही बंद हो गया था। ये कैसे इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है ये सीरीज। इसके अभी एक और नया पार्ट जो है यहाँ पर मैं अनाउंस कब करूंगा पता नहीं यार, कब खेल पाएंगे हम लोग इसका नया पार्ट। ओके रोटोम डब्ल्यू, ये शायद वाटर वाला है, रोटोम वाटर। तो इसको भी हम लोग, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर चीको को जो है यहाँ पर अपनी टीम में शामिल कर लिया, क्योंकि एम्फी जो है यहाँ पर कह सकते हो कि इतने ज्यादा उसके पास अभी तक कह सकते हो कि अटैक्स आए नहीं है, डिस्चार्ज है बट वो ज्यादा करके यूज हो चुका है। वरना फिर यहाँ पर यह बैटल जो है थोड़ा बहुत मुझे मुश्किल जाता था क्योंकि दो फायर टाइप से एंड अम्ब्रियन को तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट ही करने वाला हूँ क्योंकि एक वाटर टाइप तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो कौन अभी अपनी अपनी टीम में जो है यहाँ पर कह सकते हो कि एज अ रिलीफ कर सकता हूँ मैं एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, वो मुझे जो है यहाँ पर प्लीज कमेंट में जाके जरूर बताना गाइज यार, कि फ्ली को हम लोगों को रिवाइव कैसे करना चाहिए या विक्टिनी को या अम्ब्रियन को। अम्ब्रियन तो है ही बट फ्ली और विक्टिनी दोनों में से हम लोग किसी में जो है यहाँ पर पोल भी डाल दूंगा आज के ही दिन कि हम लोगों को किसे जो है यहाँ पर रिलीफ कर देना चाहिए। ओके यस ग्रास नोट दे देते हैं यार। चिको में अपनी टीम में आ गई है ना, तब से अपनी जो है यहाँ पर ग्रास पावर भी जो है मुझे अभी पता चल रही है कि ग्रास पावर कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारी टीम के लिए। मैं जो हूँ यहाँ पर ग्रास पावर को कह सकते हैं कि इग्नोर कर देता हूँ हर एक गेम में, बट इस गेम में मैंने अपने कह सकते मुझे चिकोरिटा पसंद आया, चिकोरिटा बहुत पसंद है मुझे कुछ भी बोलो तो, उस वजह से मैंने इसको अपनी टीम में शामिल कर लिया था। एंड अभी जो है यहाँ पर ये मगेनियम बन चुका है तो उस वजह से ये स्मेल है आप लोग देख ही सकते हो। ओ आयन हेड देखो यार, इसका बस हम लोगों को कह सकते हो कि ड्रैगन टाइप कोई मूव होगा ना किंगड्रा का, वही हम लोगों को जो है यहाँ पर ज्यादा तरह के अफेक्ट करेगा, अदरवाइज देयर बिन नो मूव जो हम लोगों को अफेक्ट कर पाएगा। यस मेरी यस मेरा आउटरेज जो है यहाँ पर इसे बहुत अफेक्ट करेगा। एक लास्ट वाला आउटरेज दे 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 यार प्लीज। ओके उसने भी आउटरेज दे दिया, अरे यार एक लास्ट वाला आउटरेज। शिट यार चीको जो है यहाँ पर डाउन हो चुका है अपना, कोई बात नहीं इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग अपने एम्फी को लेकर आ जाते। देखा ये होता है यहाँ पर अभी बैकअप का फायदा। यस अपनी टीम भी जो है ना यहाँ पर काफी स्लो तरीके से बढ़ेगी अब। यस क्योंकि क्या है ना 70 लेवल पर है एंड इसके बाद जो है यहाँ पर टोटल 100 लेवल तक जाने वाला है ये गेम। यस टोटल 100 लेवल तो मैंने कम बोला, शायद इसके 100 के बाद भी इसके कोई लेवल होंगे तो वहां तक भी जाएगा। इस साल आपको तो पता ही है कोई नया गेम नहीं आ रहा है, जो हम लोगों के पुराने गेम से वही हम लोग गेम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ईयर के साथ में थोड़ी बहुत कह सकते हो कि शेड्यूल अनाउंस कर दूंगा कि क्या क्या खेल सकते हैं हम लोग। सो वी आर ऑन ऑफिशियली द 8th फ्लोर। सो मुझे जो है यहाँ पर अभी अपने चैम्प को तो नहीं ला सकता मैं, वेट पहले तो मैं रिवाइव कर देता हूँ। 8th फ्लोर पर आ चुके हैं हम लोग बट अभी तक हम लोग पूरी तरीके से ऊपर नहीं आए, क्या बोलेंगे यार अभी तक। यस सेव कर देता हूँ, ये बैटल रन कर देते हैं। ओके तो डन हो चुका है, बस यार मुझे ये बेड पर मैं सोकर हो सकता है क्या मेरा कुछ। ओके तो स्ट्रगल यूज किया हमारे उसने बट हो चुका है, बस मुझे जो है यहाँ पर कुछ भी करके सोना है। अरे यार मैं सो नहीं पाऊंगा, शेट यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है खड़े रहने का रुकने का। कोई पॉइजन हो चुका है हमारे टीम का, हाँ यार पॉइजन हो चुका है तो मुझे जो है यहाँ पर वैसे भी उसको कुछ रिवाइव करके मतलब तो नहीं है मतलब, बट फुल ही दे ही देते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं बट लेट मी जस्ट स्विच माई गैस अभी विक्टिनी को, क्योंकि क्या है ना मगेनियम के पास भी इतने ज्यादा अभी अटैक्स बचे नहीं है एंड वी जस्ट कांट स्लीप देयर यार, क्या फायदा उतना जो है यहाँ पर दो गद्दे बचाने का जब हम लोग सो ही नहीं सकते। गद्दे हटा दो यार, गद्दे नहीं चाहिए मुझे। सो एक ये और यहाँ पर बैटल कर लेते हैं। ओके प्लाज्मा ग्रंट
ऑल राइट तो ये भी बैटल डन हो चुका है। प्लाज्मा अभी चालू हो गई यार। ओ फाइनली फाइनली अब हम लोग को फ्लोरिना मिल चुकी है। सच्ची में भाई दैट्स व्हाट वी नीडेड। अब आ जा चैम, अब इसको इन लोगों को अभी इनकी कह सकते हो ना औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। यस औकात के बाहर अभी काम करने वाले हैं हम लोग। अब भी खत्म, ये इन लोगों का खेल खत्म हो जाएगा अभी। यस खेल खत्म, अभी कुछ बचा नहीं है इन लोगों के पास, बता दो इनको खत्म अभी खेल। यस ये दो बैटल कंप्लीट कर देते हैं। ओके वेट, मुझे वहां पर ना कुछ तो नजर आया वैसे। ओके तो बैटल भी डन हो चुका है। मेरे पास अभी तक एक्सपीरियंस शेयर नहीं है क्या? विक्टिनी के पास क्या है? सेक्रेड एश। ओके शायद मगेनियम के पास है ना। ओके मगेनियम के पास एक्सपीरियंस शेयर है, चलेगा कोई बात नहीं। यहाँ पर ये लास्ट बैटल कर देते हैं। ओके तो ये भी डन, मुझे ना आगे भी नजर आ रहा है कोई तो। ओ वेट ऑलराइट, तो यहां पर अभी मुझे कह सकते हो ना टीम प्लाज्मा का लीडर शायद से हम लोगों का वेट कर रहा है। टीम प्लाज्मा नहीं, शायद वो साइरस ही है ना हम लोगों का जो वेट कर रहा है। ये बड़ा बैटल रहेगा। शू तुम यहां तक आ गए जो तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तुम अनोइंग चाइल्डिश, तुम्हारे दोस्त जो है यहाँ पर आ चुके। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें ऊपर भी जाने नहीं दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, हमारी एक्सपीरियंस जो चल रहा है ऊपर की तरफ। तुम नीचे गिरोगे अभी इसी वक्त। ऑल राइट लेडीज एंड जेंट्स, वी आर हियर अगेंस्ट द बैटल ऑफ द बॉस साइरस। तो टोटल 4 पोकेमोन इसके पास। शुरुआत की है इसने वी वाइल से, कोई बात नहीं यहाँ पे हम लोगों को गम नहीं है। मैं सीधा यहाँ पर यूज कर देता हूँ अर्थक्वेक का। यस ज्यादा टाइम पास नहीं करना है ये बैटल के लिए, सीधा अर्थक्वेक के साथ चले जाते हैं हम लोग। दैट्स इट, तो वीवाइल को जो है यहाँ पर मैंने मात दे दी है वैसे। सो देखते हैं अभी इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होता है। गैराडोस। तो एम्फी बेटा आ जाओ एम्फी के साथ। अरे यार तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। हाँ यस हो गया। ये बात तो शायद मैं कट कर दूंगा, वो वाला कुछ भी करके कट ही करना पड़ेगा। वरना आ गया तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएगी, आप लोग मेरी पर्सनल चीजें देख लोगे। ओके सो यहाँ पर अभी हम लोग ओके डिस्चार्ज का यूज कर देते हैं वैसे। ओके लेट्स सी नाउ कितना ज्यादा अफेक्ट करता है ये। यार बस यही तो चाहिए था हमें। तो ये भी हो चुका है। ओके तो ये भी इतनी ज्यादा हॉन्डूम। ओके हॉन्डूम है तो इसके लिए यार मेरे पास वाटर टाइप नहीं है, बट कोई बात नहीं। मेरे एम्फी के पास जो है यहाँ पर डायनामिक पंच है, तो शायद ये जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। यस डायनामिक पंच से साथ हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि डार्क टाइप है ना एम्फी, कह सकते हो कि हॉन्डूम, तो शायद इफेक्ट हो सकता है। ओके तो हाफ ऑफ द एचपी उसकी डैमेज हो चुकी है। ओके नास्टी प्लॉट कुछ मतलब नहीं है तेरा नास्टी प्लॉट यूज करके, जबकि तू यहाँ पर मरने वाला है। ओके हॉर्नक्रो है यहाँ पर, हम लोग स्विच नहीं कर रहे हैं। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था यार यहाँ पर। टीम मैग्मा के लीडर मैक्सी के साथ इतना मेरा डेंजरस बैटल हुआ, बट बाद में आर्की आर्ची मिला, ये भी मिला, तो इतने ज्यादा जो है यहाँ पर ये लोग ताकतवर नहीं थे वैसे। कल का एपिसोड बड़ा था ना, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स भी आए कि अच्छा हुआ आपने ये सीरीज रिवाइव की। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सीरीज वापस से रिवाइव कर दी है, क्योंकि मुझे खुद ट्राई करनी थी। इसके और भी पार्ट है, वो भी हम लोगों को चेकआउट करने हैं कि कैसे है। यस आई अप्रिशिएट द डार्क राइजिंग 2 के जो कह सकते हो कि कैसे डेवलपर है, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये गेम रिलीज किया। नहीं, ये नहीं हो सकता।
ये फेयर नहीं है। ओके 9,100 आई मीन टोटल हमारी अर्निंग हुई है इस बैटल से। आरजे कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। ओके मुझे वहां पर कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है, बट वो क्या है हम लोग जो है यहाँ पर कह सकते हो कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन डार्क राइजिंग 2, मे बी कल। यस मे बी कल, हाँ ये शायद मैं सैटरडे तक लाने की प्लान कर रहा हूँ ना, मंडे टू सैटरडे, तो कल भी हम लोग मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए गुड बाय।